बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 4.1 ऑफ चैप्टर नंबर 4 पे है। ये कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री है। जैसे कि आप जानते हैं कि कैलकुलस के चौथे चैप्टर में इंटीग्रेशन से हमारा जो है वो कंसर्न है, हमें इंटीग्रेशन के लिए कहा जाता है। और 4.1 जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल ही स्टार्ट में बहुत ही लाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से इसमें स्टार्ट होता है। तो बहुत ही लाइट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर। इसमें बिल्कुल पहला क्वेश्चन 4.1 का आपके सामने रखा हुआ है। फंक्शन आपको दिया होगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इसे इंटीग्रेट करें। स्टेटमेंट आपके सामने है, राइट डाउन द इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ दिस। देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ दिस, देखिए जी इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब होता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, देखिए दो तरह के इंटीग्रल्स होते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रल्स और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। हम यहाँ पे 4.1 एक्सरसाइज में इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के साथ हमारा ताल्लुक वास्ता है। हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल्स करने हैं क्योंकि नॉर्मली इंटीग्रेशन के दौरान जब आपको इंटीग्रेशन की लिमिट ना दी जाए, फॉर एग्जांपल ये आपको इंटीग्रेशन है और आपको इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है और इसकी अपर और लोअर लिमिट आपको नहीं बताई जा रही है, तो फिर ये इंटीग्रल जो है इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा। लेकिन अगर आपको इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए दिया जा रहा है और आपको लिमिट अपर एंड लोअर लिमिट्स बताई जा रही हैं कि जी ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और आपने इसे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम द लिमिट ए टू बी, तो फिर इस तरह का इंटीग्रल जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है। जबकि इस तरह का इंटीग्रल जिसमें कोई लिमिट्स ना हो अपर एंड लोअर लिमिट इंटीग्रल की, उसमें हम इसे कहते हैं कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल करना, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बताई गई कि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें फ्रॉम द लिमिट दिस टू दिस, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। आपको सिंपल इंटीग्रेट करना है, इट्स मीन कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो जी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा फंक्शन जो है वो 0 है। अब चलते हैं इसकी इंटीग्रेशन की तरफ, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या है, देखिए जी आपको नॉर्मली एफ ऑफ एक्स, और चूँकि वेरिएबल यहाँ पे एक्स है तो जो इंटीग्रेशन का साइन है इंटीग्रेशन के साथ डी एक्स आप लगाएंगे, ठीक है जी। ये तरीक़ेकार होता है, आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखें, ये आपके पास आएगा 0 और डी एक्स। देखिए इंटीग्रेशन का तरीक़ेकार नॉर्मली ये होता है कि हमें पॉलीनोमियल की इंटीग्रेशन, अगर बिकॉज 0 इज़ ऑल्सो आ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 0, ठीक है। तो जब भी आप किसी पॉलीनोमियल की इंटीग्रेशन करते हैं तो आप इंटीग्रेशन में उस पॉलीनोमियल की, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूंगी, जैसे एक्स है सिंपल, ये एक पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। जब आप इसे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके नतीजे में इसकी पावर जो भी इस पॉलीनोमियल की है वो उसमें एक इजाफा हो जाएगा। जैसे इसकी पावर में इस वक्त 1 है तो वो 2 हो जाएगी और उसी इजाफे से आप डिवाइड भी कर देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से इस वक्त आपके पास 0 एक पॉलीनोमियल है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 एक्स भी लिख सकते हैं ताकि आपको पॉलीनोमियल के करीब आप रहें। आप ये ना समझें कि ये अजीब से एक्स की मतलब 0 की इंटीग्रेशन क्या होगी। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि आप इसको इस फॉर्म में लिख लें कि जस्ट लाइक 0 एक्स। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अब इंटीग्रेशन में कॉफिशेंट्स जो होते हैं उनके, क्योंकि 0 एक कॉफिशेंट है, एक नंबर है, इसके ऊपर नॉर्मली हम कॉफिशेंट्स को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है जी। और जो वेरिएबल है उसको हम इंटीग्रेशन के साइन के अंदर रखते हैं। अब ये है बेसिकली आपके पास, आप इसे ये 0 की एक्स की पावर जो है वो आप इसे 1 कंसिडर कर लें, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन जैसे कि मैंने आपको बताया वो पावर में इजाफा कर देती है। तो पावर में अगर ये इजाफा कर रही है फॉर एग्जांपल, तो ये पावर हो जाएगी 2 ओवर आपके पास फिर 2, ठीक है। मैं आपको मिसाल देके समझा रही हूँ ताकि आपको ये 0 की इंटीग्रेशन याद हो। उसके बाद ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं इसमें याद रखिएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स बेसिकली इंटीग्रेशन होती क्या है, इंटीग्रेशन इज़ बेसिकली द एरिया अंडर द कर्व। फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत ही रफ सा एस्टिमेशन, बहुत छोटा सा ब्रीफ एस्टिमेशन आपको यहाँ पे दूंगी कि आपके पास ये एक कर्व है, इस कर्व के एरिया के अंडर जितना एरिया कवर्ड होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जितना एरिया इस कर्व के अंडर कवर है जिसको मैं शेड कर रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड द इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर इस पॉइंट का नाम मिसाल के तौर पे ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास, अच्छा तो उसमें ये है कि आपको,
हाँ जी, तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ये हमारा वाई एक्सिस था और ये हमारा एक्स एक्सिस था। तो एक्स एक्सिस पे अगर ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, तो ए से बी पॉइंट के दरमियान जितना एरिया कवर्ड है दैट इज़ कॉल्ड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। अगर ये फंक्शन जिसका कर्व ये ड्रॉ हुआ है, ये एफ ऑफ एक्स है। अब आपके पास सीन ये है कि अगर ये लिमिट्स ना दी हूँ तो वो फिर इंडेफिनेट इंटीग्रल बन जाता है। ये लिमिट्स है ए से बी, अगर ये लिमिट्स ना दी हूँ तो फिर वो इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तो याद रखिएगा कि इंडेफिनेट इंटीग्रल का जो आंसर आता है वो डेफिनेट इंटीग्रल के मुकाबले में एग्जैक्ट नहीं होता। इंडेफिनेट इंटीग्रल का आंसर है चूँकि एग्जैक्ट नहीं होता, इसलिए हम उसके आंसर में अब एग्जैक्टनेस किस तरह से हम मेयर करेंगे, एग्जैक्टनेस नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हमारी इंटीग्रेशन का एक्चुअल आंसर जो है वो 5.1 आ रहा है, लेकिन मैं जिस प्रोसेस से चलती हूँ और मेरा आंसर आ जाता है 5। अब एक्चुअल या एग्जैक्ट आंसर 5.1 है और मेरा आंसर 5 आ जाता है, तो फिर 5 और 5.1 में जो डिफरेंस है वो 0.1 का है, और इसका मतलब है मेरे आंसर में अगर 0.1 ऐड अप कर लिया जाए तो फिर वो एक्चुअल आंसर तक मैं पहुंच सकती हूँ। और हो सकता है कि एक्चुअल आंसर जो है एग्जैक्ट आंसर वो 4.9 हो और मेरा आंसर 5 अगर आ रहा है, तो 5 में से 0.1 को आपको तब उस केस में माइनस करना पड़ेगा। 0.1 माइनस करेंगे तो फिर 4.9 तक पहुंचेंगे। ये सीन है। तो आपका जो आप इंटीग्रेशन से जो इंडेफिनेट इंटीग्रल में आंसर निकालते हैं वो आंसर एग्जैक्ट नहीं होता, उसमें सम टाइम्स कमी होती है कुछ, और सम टाइम्स जैसे कि 4.9 मेरा आ गया, तो जैसे कि 5 आ गया, 5 में कमी थी 0.1 की, तो मैंने इसमें एडअप करके तो 5.1 तक पहुँच गई, ठीक है। और सम टाइम्स एक्चुअल आंसर से आपका आंसर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो फिर आपके आंसर में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचते हो। तो उसमें तरीक़ेकार ये है कि जब भी आपका आंसर आता है तो आपको एग्जैक्ट तो नहीं पता कि आपकी, ये तो मैंने खैर आपको वैसे एग्जांपल देके समझाया, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता कि आपका आंसर जो है उसमें क्या कमी या ज़्यादती है। तो उस कमी या ज्यादती को पूरा करने के लिए आपको जो भी आंसर आता है इनडेफिनेट इंटीग्रल का, उसमें आपने कांस्टेंट को एडअप कर लेना होता है। वो कांस्टेंट का मतलब ये 0.1 होगा। अब इस केस में, पहले केस में वो 0.1 प्लस 0.1 है, पॉजिटिव है, और दूसरे केस में ये 0.1 नेगेटिव का होगा, ठीक है। तो हमें नहीं पता होता कि क्या कमी है या ज़्यादती है, और है तो कितनी है, तो वो बहुत माइनूट सी होती है, लेकिन उस कमी या ज़्यादती को पूरा करने के लिए ये सी जो है ये काम करता है। अब इसकी वैल्यू एक्चुअली में एग्जैक्ट तो नहीं हमें पता होती, लेकिन हम यहाँ पर कंसिडर जो कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जो हमारी कमी या ज़्यादती है उसको बैलेंस करने के लिए ये सी इस्तेमाल होता है। तो अब इसका आंसर क्या ना हमारे पास, अब इसका आंसर हमारे पास बनता है, अब ये आपके पास जो भी है इसको जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा और प्लस सी, यानी कि आंसर आपका आया एक कांस्टेंट, ठीक है। अब वो कांस्टेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है इससे ये आपका कंसर्न नहीं है, बस आपको यहां पे एटलीस्ट कम से कम ये पता चल गया कि अगर आपका फंक्शन जीरो पॉलीनोमियल हो, यानी कि जीरो हो, सिंपल जीरो, आम लैंग्वेज पे हम कह सकते हैं कि जैसे जीरो की आपने इंटीग्रेशन की तो आंसर क्या आता है, तो नॉर्मली हम लोग जीरो ही समझते हैं कि इसका आंसर जीरो आएगा, लेकिन एक्चुअली में इंडेफिनेट इंटीग्रल में इसका आंसर जीरो नहीं है। इसका आंसर जो है वो एक कांस्टेंट होता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है उससे हमारा ना कंसर्न है ना हमें पता है, ठीक है। तो आपका, आप यहाँ जब भी कहेंगे कि जीरो की इंटीग्रेशन का आंसर जो है वो कांस्टेंट होता है, सी एनी कांस्टेंट जी। तो क्वेश्चन नंबर टू मैंने आपके सामने रखा है। क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, इसके चलते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, और ये इंटीग्रेशन जो है जैसे कि आपको पता है ये आपकी इंडेफिनेट इंटीग्रल होगा। ये जी इंटीग्रेशन का साइन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें जो कि अंडर रूट एक्स है एंड डी एक्स। अब चूंकि ये एक पॉलिनोमियल है इसकी पावर जो भी है उसमें आप एक इजाफा कर देंगे, और इसके लिए आप बस आपने ये ख्याल रखना कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं x की पावर 1/2, जो भी पावर इस वक्त इस पॉलीनोमियल की है उस पावर के अंदर जो आपका ये पॉलीनोमियल है, इस पॉलीनोमियल की जो पावर के अंदर जो इस पॉलीनोमियल, जो खुद ये पॉलीनोमियल है उसका डेरिवेटिव साथ में बड़ा होना चाहिए। तो खैर बेसिक रूल्स आपको आते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, अगर आप एक्स की डिफरेंशिएशन करें तो वो 1 बनता है, और 1 हमेशा हर वक्त यहाँ पे साथ में मौजूद है। बस ये आपने ख्याल रखना है कि जिसकी भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस पावर के अंदर देख लीजिएगा उस पॉलीनोमियल का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, अब रूल ये है कि इसकी पावर में एक इजाफा कर दिया,
और फिर उसी से आपने जो पावर नई बनती है आपने डिवाइड कर दिया, और साथ में चूंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो आपने कांस्टेंट ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा आंसर एग्जैक्ट क्या है। तो ये बनता है जी एक्स की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी। ये जी आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारा फंक्शन आपके सामने है, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने इंसर्ट की 1 + x ओवर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये आपके पास फ्रैक्शन में पॉलीनोमियल आ गया है, तो फ्रैक्शन कोशिश करें कि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। अब फ्रैक्शन में एक सिंपल तरीका ये है कि आपके पास आप 1/x को अलग कर दो और एक्स ओवर एक्स को अलग कर दो, ठीक है जी। और आपके पास जब आपका जो भी पॉलीनोमियल है जिसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं अगर वो दो हिस्सों में हो जाता है और बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो उन दोनों की इंटीग्रेशन आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ये आपका बन जाता है 1 की इंटीग्रेशन। अब 1 तो एक कांस्टेंट है, तो एक्चुअली में 1 का मतलब, जैसे 0 का मतलब हमने लिया था उसके साथ एक वेरिएबल अटैच किया था, जैसे मैं यहाँ पे करूँ 1/x को आप ये लिख सकते हैं प्लस, इस 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं इसके साथ x की पावर 0, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखेंगे x की पावर 1/1, यानी कि पावर जो है कॉफिशेंट साथ में 1 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस हिस्से की इंटीग्रेशन तो आपने कर ली। अच्छा 1/x की इंटीग्रेशन आप याद रखिएगा कि 1/x की इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्ट आपने याद रखनी है कि ये ln ऑफ x होती है। तो अब यहाँ पे 1/x की इंटीग्रेशन आपके पास आई ln ऑफ x, जैसे कि आपको पता है डिफ्रेंशिएशन आप इससे पहले कर चुके होंगे, तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रोसेसेस होते हैं। तो अगर आप ln ऑफ x की डिफ्रेंशिएशन करें तो आपके पास 1/x आता है, बिल्कुल इसी तरह से 1/x की जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास ln ऑफ x आता है। तो फिलहाल आपके पास जो आंसर आया है वो आया है ln ऑफ x प्लस एक्स प्लस सी। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास दो पॉलीनोमियल्स हैं फ्रैक्शन में है, और दोनों पॉलीनोमियल्स की पावर्स जो हैं वो तकरीबन आपके पास सेम है। तो अगर इसको आपके पास मल्टीपल तरीके हैं, आप या तो इन दोनों पॉलीनोमियल्स को पहले डिवाइड कर लें क्योंकि पावर दोनों की सेम है, आप इन्हें डिवाइड कर लें और जो भी आपके पास आंसर आता है आप फिर उसको इंटीग्रेट करें, ठीक है। अब जब आप इसको डिवाइड करते हो तो साइड पे मैं डिवीजन का प्रोसेस भी लिख दूँ, न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब आप इसे डिवाइड करते हैं आपके पास आता है सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस से माइनस 2, और जब आप इसे वापस पॉलीनोमियल फॉर्म में लिखेंगे डिवीजन के बाद तो 1 - 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास डिवीजन के प्रोसेस के पास बनता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर ये आता है। अब इसकी इंटीग्रेशन एक्चुअली में हम करेंगे, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स की, तो इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, और फिर इसके मजीद डिवीजन से जो आपके पास आंसर आता है आप उसको अप्लाई करेंगे। हाँ जी, तो आपके पास आंसर आता है 1 - 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, इसके साथ लगाएंगे डी एक्स, और 1 की अलग हो जाएगी, 2 कांस्टेंट का बाहर आएगा और 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी तो 1 की इंटीग्रेशन जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वह x होगी, इसके साथ इस वक्त अगर आप सपोज़ कर लें कि x की पावर 0 है तो वह अगले स्टेप में x की पावर जो है वो 1 आपके पास बन जाएगी। तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वह आपके पास x होगी और -2। अब इसको आपने सोचना है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सीधा करके लिख लें 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
जी, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला याद, अगर आपको याद हैं तो बहुत आसानी है, क्योंकि ये बीएससी लेवल के क्वेश्चन एक्सरसाइज है, कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री, और इंटरमीडिएट में आप ये सारे फार्मूले पढ़ के आए हैं इफ़ यू रिमेम्बर। तो आपको पता होगा जब आप टेन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंसीशन करते थे, तो टेन इनवर्स ये फार्मूले बेसिकली फार्मूलों के ऊपर सारा डिपेंड कर रहा है कि अगर आपको टेन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंसीशन आती है तो वो आपको पता होगा कि वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर था। तो इसी तरह से जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर की, तो इंटीग्रेशन और चूंकि डिफ्रेंसिएशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रोसेस होते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन का आंसर टेन इनवर्स एक्स आएगा। अब अगर यहाँ इसकी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को याद रखते हुए आंसर बताएं, तो वो हमारे पास आएगा जी टेन इनवर्स एक्स, और साथ में आप प्लस सी डाल दें तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे तैयार है, एक्स माइनस टू टाइम्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। जी, तो यहाँ तक हमारा जो है वो पहले चार क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट कराए, ये सिंपल से क्वेश्चंस थे, इनमें पॉलीनोमियल इन्वॉल्व हो रहे थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दूसरे टाइप के ट्रिग्नोमेटिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन देखेंगे। फिलहाल ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे जिसमें हमने पॉलीनोमियल, जिसमें ज़ीरो पॉलीनोमियल भी हमने सीखा, और इसके अलावा पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री वन एंड पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री टू तक हमने यहाँ पे काम किया। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेटिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे।